तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ क्या सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सब भाइयों के लिए एक बैड न्यूज़ है फ्रेंड्स। बैड न्यूज़ ये है कि आज जिस तरह क्या आपको पता था हमारे पास गुजरों के जो दो पेयर थे उनसे दोनों फीमेल्स ने हमारे पास अंडे दिए हुए थे, और उनमें से एक जो वाइट वाले थे फ्रेंड, उसका जो मेल था फीमेल का, वो मेल गुम हो गया हमारे पास है। मैंने फ्रेंड बहुत ढूंढा उसे, अभी तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि दोनों उस वाइट फीमेल ने भी अंडे दिए हुए हैं, और ब्लैक वालों का तो पेयर पूरा था, और लेकिन जो वाइट वाली थी उसका मेल जो है गुम हो गया। फ्रेंड जीन जाने बहुत दुख हो रहा है, मैंने उसको बहुत ढूंढे, अभी तक मुझे नहीं मिला, तो चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फीमेल अकेली बैठी हुई है, और इसके साथ जो मेल है वो फ्रेंड अभी तक नहीं है, तो मैंने बहुत ढूंढे वो मेल मुझे नहीं मिला। ये ब्लैक वाला आ गया उस फीमेल में, उसका फीमेल बैठी हुई है अंडों पर, और ये जो वाइट वाले फ्रेंड अभी अकेली हो गई, इसके साथ मेल नहीं है, और इसका जो मेल था फ्रेंड वो कहीं गुम हो गए। हमने बहुत ढूंढे, मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैंने रात के टाइम में इनको नहीं देखा भी, आगे मैंने जैसे ही देखा तो फ्रेंड वो वाइट वाला जो मेल था वो इधर नहीं है। फ्रेंड यकीन जाने बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि भी जो फीमेल थी फ्रेंड, इसका जो अंडों में से चिक्स निकलने वाले हैं, और जो इसका जो मेल था वो अभी तक नहीं मिला। पता नहीं अब क्या होगा इसके बच्चों को, किस तरह इसकी बच्चों की केयर करेंगे। तो बस चले करते हैं कुछ इसके साथ में। आप लोग फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या है, हमें इसके साथ नया मेल ले कहना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए। फ्रेंड मुझे जिस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या गया है, अभी इसके बच्चे भी निकलेंगे, ये बेचारी अकेले अपने बच्चों को कैसे संभालेगी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन प्लीज़ भाइयों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए बताया करें क्या अब हम इसके साथ क्या करें, इसके साथ मेल लेकर आएँ या नहीं आएँ, अब इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमें लोग, सब लोग जितने भी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि अभी इसके साथ मुझे कुछ नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है, अभी इसके बच्चों अपने बच्चों को किस तरह, इसके बच्चों की किस तरह केयर करेगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या हमें इसके साथ कोई नए मेले कहना चाहिए, या इसको किसी तरह इसके अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप सब भाई जीना फॉल को बोल रहे थे, तो फ्रेंड जीना फॉल आ गई है हमारे दूसरे सेटअप पर, तो उसको मैं आपको विजिट करवा दूँगा फ्रेंड, वो हमने ला के रख ली है उधर। तो प्लीज़ आप लोगों को से मैं यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त फ्रेंड हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उस पर इतने कुछ खास व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर आते हैं। तो क्योंकि जिस तरह का हम वीडियो बनाते हैं उस तरह का आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर ट्राई करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर मेरी वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इंशाल्लाह फ्रेंड्स करते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए दिन ब दिन अच्छा कंटेंट लाऊं, तो उसके लिए फ्रेंड मुझे अच्छा मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस पार्ट्स का आप बोलेंगे फ्रेंड वो पार्ट्स ला के हम रखेंगे अपने सेटअप पर। और जैसे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे ये बात कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि भाई आपकी वीडियो हमें अच्छी लगती है नहीं लगती, कोई वीडियो ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हो, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों इसके अलावा हम अपने केजेस का काम फ्रेंड या हमें सोच लिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड जो है काफ़ी छोटी है, बल्कि ना होने के बराबर है बर्ड्स के लिए, तो यहाँ से फ्रेंड अपने इस केज को उठाएंगे और दूसरे जगह पर लेकर जाएंगे, वहाँ पर जाके फ्रेंड्स पूरा सेटअप हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत छोटी है और हम अपने बर्ड्स को इतनी ज़्यादा बर्ड्स तादाद में बर्ड वगैरह नहीं रख सकते। तो इंशाल्लाह हम अपने दूसरे सेटअप पर जाके बर्ड वगैरह रखेंगे, और वहाँ पर फ्रेंड जिस बर्ड्स का आप बोलेंगे वो बर्ड्स हम ला के अपने सेटअप पर रखेंगे, और देखेंगे कि वो ब्रीडिंग वगैरह भी करवाएंगे फ्रेंड, बर्ड्स को उड़ाएंगे भी, और इंशाल्लाह तमाम जितने भी बर्ड टर्की वगैरह हो गया या जो भी हो गया, तो इंशाल्लाह वो तमाम बर्ड्स हम ला के अपने सेटअप पर रखेंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप सब ये बोल रहे थे कि भाई आप अपने कबूतरों को उड़ाया करें, हम आप कबूतरों को देखना चाहते हैं। तो भाई वो इस वजह से मैं नहीं उड़ा रहा था, क्योंकि आपने देखा ही अभी, क्योंकि दोनों फीमेल तुम्हारे पास अंडे वगैरह दिए हुए थे, अगर उनका मेल एक भी मेल भाग गया तो फिर पीछे उनके लिए मसला होगा। तो फ्रेंड इस वजह से मैं नहीं इनको उड़ा रहा था, तो क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी एक मेल गुम हो गया हमारे पास से, अभी तक उसका नहीं पता चला कि वो कहाँ है, तो इस वजह से मैं नहीं उड़ाता अपने कबूतरों को, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एक बार बच्चे वगैरह निकल आएँ तो फिर उड़ाएंगे, फिर वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनका इतना टाइम नहीं हुआ, इन्होंने अंडे हमारे पास जल्दी दे दिए, तकरीबन इनका अभी तक हमारे पास 2-3 हफ्ते हो चुके हैं हमारे पास, तो इस वजह से मैं इनको इतना नहीं उड़ाता था क्योंकि भाग ना जाएँ, लेकिन वैसे ही हुए, कबूतर हमारे पास से भाग गए। तो इसके अलावा फ्रेंड टर्की का ही बोल रहे थे कि भैया आप टर्की आप वो आपके पास पहुँची नहीं पहुँची, जी भाई वो बिल्कुल मेरे पास पहुँच गई है, वहाँ तक दूसरे घर में रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी पक्की थी और वो क्योंकि कच्ची जगह पर ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन उसके लिए जगह भी छोटी थी, कभी छलांगे लगा कि मैंने इसे ला कर रखी थी, लेकिन कभी वो छलांगे लगा कि किधर चली जाती कभी किधर, तो
तो उसको मैंने उठा के अपने दूसरे सेटअप पर मैंने छोड़ दिए, तो अब इंशाल्लाह उधर ही होगी। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मान अल्लाह।